कि मंदिर इसलिए राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि लोग चले जाते हैं। देखिए जहां लोग जाएंगे वहां राहुल गांधी जाते हैं, जनता के लिए जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं। उन्होंने नए साल का तोहफा उन्होंने देश को दिया, जो कश्मीरी पंडित 6 लोगों की हत्या होती है नए साल में और हिंदुत्व की बात करें तो इनको शर्म से गर्व नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेसर नहीं आता क्या भाषा है, क्या रहे क्या दंगा चल रहा है? नहीं आपको चिल्लाना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या बलियाना में कराया, मेरे देश के सामने जनता के सामने आप धमकी देने के दंगा हुआ है। आप नेहरू की लालच से कह रहे हैं, तारीख बता रहे हैं तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? भगवान ध्वज गाड़ कर बना रहे हैं, किसी की हिम्मत तो रोक ले, इनकी हिम्मत हो कांग्रेसियों की तो बाबरी के नाम की एक ईंट अयोध्या के लेके जाकर दिखा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है प्रेम शुक्ला और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता के बीच में। दोस्तों राहुल गांधी के मंदिर दौरे और राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही चर्चा में रोहन गुप्ता और प्रेम शुक्ला आपस में जबरदस्त भिड़ गए, जिसके बाद प्रेम शुक्ला ने रोहन गुप्ता को चैलेंज दिया कि अगर कांग्रेसियों में हिम्मत है तो राम मंदिर निर्माण को रोक के दिखाएं। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आप ही के स्टार नेता जिनको कहा गया कि राहुल गांधी के बाद वो मोस्ट पॉपुलर नेता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, उनके लिए वो कह रहे हैं कि मंदिर इसलिए राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि लोग चले जाते हैं। देखिए इसलिए लोग जाते हैं, इसलिए राहुल जी मंदिर चले जाते हैं। अरे किसी की आस्था होगी, राजकुमार भाटी की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा, अनीश देवगन की आस्था होगी तो मंदिर जाएगा। लोग जाते हैं इसलिए मंदिर जाएंगे, ये तो कह रहा हूं। उनके बयान पर क्या बोलेंगे आप? जो अभी उनका बयान मैंने पूरा देखा, उन्होंने क्लियर कहा कि भगवान में जो आस्था है सब लोग जाते हैं और राहुल गांधी जी लोगों के लिए मंदिर जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो जो भी उन्होंने कहा, पर मेरा मुद्दा यहाँ पे जो उन्होंने हिंदुत्व की बात की, आस्था सबकी है। देखिए राहुल गांधी की आस्था, हिंदू हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग सब भगवान में आस्था रखते हैं और इसमें कोई आस्था के इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमीश भाई मैं इसीलिए आपको कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने हिंदुत्व की बात की, बोला ना अगर बीजेपी का कहता है, समाजवादी पार्टी का कहता है, पूरा स्टेटमेंट अगर आप उसको पूरा स्टेटमेंट देखेंगे, मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ, राहुल जहाँ लोग जाएंगे वहाँ राहुल गांधी जाते हैं, जनता के लिए जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते। उन्होंने अभी हिंदुत्व जनता के लिए जाते हैं, जनता की खुशी के लिए जाते हैं, यानी जनता के वोट के लिए जाते हैं, बिल्कुल जनता की खुशी के लिए जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैं जम्मू का सवाल आपका रोहन गुप्ता से है कि राहुल गांधी की आस्था नहीं है। बिल्कुल आस्था है, तो फिर वो लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं? रोहन गुप्ता बोलेंगे लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं? सवाल सुन लीजिए, रोहन जी सवाल सुन लीजिए। फिर वो लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं? लोगों के लिए मैं जाता हूँ, इसका मतलब आस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं, आस्था है और आस्था इसीलिए है और उसी आस्था के तहत लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। और राहुल गांधी जी हमेशा जब भी मंदिर की बात हुई, यही आस्था है कि उनमें आस्था है, लोगों के प्रति आस्था नहीं है तो उनके प्रति आस्था क्यों रखते हो? दोनों के लिए है, लोगों के लिए अच्छे के लिए जा रहा है और उनकी आस्था इसीलिए जा रहे हैं। अमीश भाई मैं इनका जवाब दे दूं, जो उन्होंने हिंदुत्व की बात की, ये नए साल का तोहफा उन्होंने देश को दिया, जो कश्मीरी पंडित 6 लोगों की हत्या होती है नए साल में और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जैन धर्म की अभी बात कर रहा हूं, जो सम्मेद शिखर जी, उसके लिए भी उसके नाम पे भी उन्होंने पैसे जुटाने का काम किया, पूरे जैन समाज को पूरे देश में निकलना पड़ा कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया, आज वो फैसला वापस लेना। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई साहब? हिंदुत्व के नाम पे अपनी सत्ता की रोटियां सेकने से हिंदुत्व नहीं होता, हिंदुओं के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। और नए साल में अगर जम्मू में 6 हिंदुओं की हत्या होती है तो आपको मौका दूंगा प्रेम शुक्ला, बताइए हत्या पर हमको निश्चित तौर पर दुख है और ये कह रहा है आपकी जिम्मेदारी है। मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, ये कह रहे हैं शर्म से झुक जाना चाहिए। तो जब 4 लाख हिंदुओं को घाटी से मार कर भगा दिया गया आपके सरकार में आप जवाब दीजिए ना रोहन जी, अब आप थे सरकार, कराइए इनको। जी जी, जब 4 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया और उनको भगाने वाले यासिन मलिक के साथ जब इनका प्रधानमंत्री टेबल पर बैठता था तो इनको शर्म से गर्व नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेशर्म है या तो आप, और हम जो है अगर 6 की हत्या होती है तो हम तत्काल वहां सेना भेजते हैं, अतिरिक्त बल तैनात करते हैं और आतंकवादियों की आपको दंगा चाहिए? नहीं क्या भाषा है, क्या दंगा चाहिए? आपको चिल्लाना चाहिए, आप क्या चिल्लाओ? आप धमका रहे हैं किसको दे रहे हैं? नहीं आप धमका रहे हैं। दंगा क्या होता है? आपके बीच में वो नहीं बोला, आप उनके बीच में बोले। ठीक है एक सेकंड इनके बीच में बारी बोला मैंने। जी जो आप लोग कराते थे इस देश में। अरे आप क्या बलियारे में कराया, मेरे देश के सामने जनता के सामने आप धमकी दे रहे कि दंगा होगा? आप नेहरू की लालच से कारण जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए। 10,000 इसका जवाब दे रहा हूं ना, ये कल का है, दिया पहला जवाब कल का, इसका भी उसी लाइन में जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया नहीं दे पाया, लाइन में दिया जवाब नहीं दे पाया। आप जैसे बेशर्मी नहीं कर सकते। रही भगवा पर टिप्पणी करने की बात, तो कांग्रेस के लोग तो भगवा आतंकवाद सिद्ध करने पे आमादा थे, अब तो सिर्फ उनको योगी आदित्यनाथ के वस्त्र पर आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व मंडल में बहुत सारे लोगों को 2008 में भगवा आतंकवाद के मामले में फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था ना। और अभी तो कुछ दिन पहले इनके सतीश जरकिहोली कह रहे थे हिंदू शब्द गाली है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, कुछ दिन पहले एफिडेविट दे रहे थे। ये एफिडेविट क्या दे रहे थे कि राम तो काल्पनिक है। आज जो लोग कल कहते थे सलमान खुर्शीद कि एक आतंकवादी के बाटला हाउस एनकाउंटर मारे जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी विलाप कर रही थी, आज सोनिया गांधी के विलाप करने वाली सोनिया गांधी के पुत्र जो हैं उनकी तुलना राम से कर रहे हैं। तो ये जो है भव्य दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, जिस तरह से भारत में हिंदुत्व को फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने की दिशा में काम हो रहा है, उसको देखकर इनको भी हिंदू बनना मजबूरी है। अमित शाह ने एक त्रिपुरा में बात की, उसने बोला राहुल बाबा आप नोट कर लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए राम मंदिर की, 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी श्री राम लला का मंदिर बनने वाला है। 1992 के बाद जितने चुनाव 2019 तक हुए, कांग्रेस समेत सारे सेकुलर दल, सपा बसपा टीएमसी डीएमके सब पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते थे, सब पूछते थे ना। आपको ध्यान होगा, आज हम तारीख बता रहे हैं तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? वहां गगनचुंबी जो है राम मंदिर बनेगा और बाबर की छाती पर हम भगवा ध्वज गाड़ कर बना रहे हैं। है किसी की हिम्मत तो रोक ले। जो कह रहे थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा बाबरी के अगेंस्ट, जो कह रहे थे संसद में संकल्प लेकर बैठे थे कांग्रेस वाले कि हम राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी हिम्मत हो कांग्रेसियों की तो बाबरी के नाम की एक ईंट अयोध्या के लेके जाकर दिखा देंगे। हिम्मत हम सबके राम है और आज राम जी का मंदिर बने खुशी की बात है। लेकिन आप ही का शासन था, आप ही के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो भी सदन के अंदर। एक मिनट, जब श्री राम का मंदिर बन रहा है, आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आस्था का विषय, मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, पर बिल्कुल उसका मैं जवाब दे दूं, उसका मैं जवाब राहुल गांधी आज राम जी। वाह क्या सीन है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्या सीन है। दोस्तों, अमित शाह ने राहुल गांधी को ऑफर दिया है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और राहुल जी अपनी सीट बुक करा लें। तो दोस्तों, जिस प्रकार राहुल गांधी जी आजकल मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जी रामलला के दर्शन करने जाएंगे? कमेंट्स करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।